अविनाश राय खन्ना जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपने लीडर ऑफ द हाउस उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास करके यहाँ पर चीफ विप की जिम्मेवारी दी, और अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे देश के सभी हाउस देखने का मौका दिया। मैंने अपना कैरियर एज एमएलए पंजाब से शुरू किया, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, लोकसभा में फिर मैं इलेक्ट हुआ और अब राज्यसभा में हूँ। हर हाउस में मैंने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस जो हैं वो लिए हैं। सर, आपका भी स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा, डिप्टी चेयरमैन का भी। जब भी किसी इशू को लेकर जो मैं फील करता था यहाँ पर कि ऐसा होना चाहिए, मिला, आपने उनको सॉल्व करने के लिए और उनको एक नई दिशा देने के लिए काफ़ी सहयोग दिया। जब मैं एमएलए था सर, उस समय मैंने देखा कि कुछ बातें यहाँ कही जाती हैं लेकिन मानी नहीं जाती, तो उसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। तो मुझे एक इंसिडेंट याद है जो जहाँ से मैं कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए था और मेरे डिस्ट्रिक्ट तक, अश्विनी जी जानते हैं हम एक ही एरिए के हैं, होशियारपुर तक सड़क का बहुत बुरा हाल था। तो एज ए असेंबली मेंबर मैंने क्वेश्चन उठाया तो एक आंसर आया, अभी हमारे एक मेंबर ज्वाइन करेंगे, उस समय मिनिस्टर थे वो, बाजवा जी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, सड़क की हाल तो बहुत ख़राब है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। तो मैंने असेंबली में अनाउंस किया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं लोगों के बूट पॉलिश करके पैसे इकट्ठे करूँगा और आपको दूंगा, तब सड़क बना देना। तो सब ने सोचा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कौन करता है। तो जब सेशन ख़त्म हुआ, सड़क नहीं बनी, तो मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बस स्टैंड के ऊपर वो पॉलिश और ब्रश लेके बैठ गया। 13 दिन मैंने बूट पॉलिश किया और 13 दिन में वो सड़क बन गई। तब से मुझे लोग याद करने लगे कि जी बूट पॉलिश करने वाला ये एमएलए है। लोकसभा में आया, बहुत इशू थे लेकिन जो इशू मुझे आज भी याद है, आप सब ने उस इशू पे सपोर्ट किया। सरबजीत जो पाकिस्तान की जेल में बंद था, कोई जानता नहीं था कि पाकिस्तान की जेल में वो एक इनोसेंट पंजाबी जो है वो फंसा हुआ है। वो इशू मुझे उठाने का मौका मिला और बहुत बड़ा इशू बना, बहुत से उसके कारण बहुत से जो लोग थे पंजाब की जेलों से यहाँ वापस आए। एक मैं यहाँ भी जो इंस्टांस है उसको नहीं भूल सकता, डिप्टी चेयरमैन साहब यहाँ चेयर पे बैठे थे, आज़ादी जानते हैं इन्हीं के, जम्मू कश्मीर का एक नौजवान चबेल सिंह, वो पाकिस्तान की जेल में उसको मार दिया गया। लेकिन जो लेटर उसके घर पे आया कि आप इतने पैसे जमा करा दो तब उसकी बॉडी जो है वो हम भारत भेजेंगे, वो एक बहुत एक हार्ट वार्मिंग बात थी। तो मैं यहाँ पर उस बात को उठाया, सभी मेंबरों ने उसकी सपोर्ट की और मेरा खैर पहली बार चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन उस समय बैठे थे, डायरेक्शन दी कि सरकार को वो बॉडी इमीडिएटली परिवार को सौंपनी चाहिए, और दूसरे दिन वो बॉडी उसके गांव में पहुँच गई। तो ये प्लेटफार्म जो है पार्लियामेंट का, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से हम अपनी बात रख सकते हैं। और कमेटियों की बात हुई है तो मुझे अलग अलग कमेटियों में काम करने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा समय मैंने अश्योरेंस कमेटी में बताया, तो जब भी कोई क्वेश्चन आता था मैं उसी दिन क्वेश्चन पढ़ता था, तो चेयरमैन भी हैरान थे कि पार्लियामेंट अफेयर कमेटी से बाद में आता है, आपकी चिट्ठी पहले आती है कि ये अश्योरेंस है। तो अश्योरेंस कमेटी में काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत से काम जो है वो करवाए। फिर मन हुआ कि नहीं, पिटीशन कमेटी में जाना चाहिए। जब पिटीशन कमेटी में गया तो एक पिटीशन वहाँ पेंडिंग थी, उसी के टूर हो रहे थे, उसी सब कुछ हो रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट की, आपसे भी मिला, एसजी साहब से मिला, कि पिटीशन कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो काम हाई कोर्ट नहीं कर सकती, हम पिटीशन कमेटी के थ्रू करवा सकते हैं। आज मेरी ही 6 पिटीशन जो है उसमें पेंडिंग है। उस कमेटी का भी मैंने भरपूर फायदा लेने की जो है कोशिश की है। सर, इस दौरान थोड़ा सा एक ऐसा समय भी आया जब मैं लोकसभा का मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहा, मेरी सीट रिजर्व हो गई, तो मुझे उस समय ना मेरा अपना घर था ना मेरे पास गाड़ी थी, तो उस समय मुझे 1 महीना प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी। जब अखबारों में छपा कि अविनाश खन्ना बड़े पैकेज के ऊपर एक नौकरी कर रहा है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सीएम साहब का, उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया, भाई तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की,
मैंने कहा जी घर चलाना है, नौकरी करनी है? नहीं, तुम्हें ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बनाया जाता है। तो 10 महीने मैंने एज ह्यूमन राइट कमीशन काम किया और मुझे खुशी है कि कमीशन भी मैंने 10 महीनों में 4300 केस डिसाइड किए और 40 मैंने जगह का विजिट किया और अपनी रिपोर्ट जो हैं वो सबमिट की। तब फिर मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, लोक राज्यसभा की सीट आई तो मुझे बुला के पार्टी ने राज्यसभा में ये मान दिया। और अलग अलग जगह पर काम करते हुए जब राज्यसभा में आया तो मैंने एज विप, ऑपोजिशन में हम थे तो एज विप मुझे जिम्मेवारी दी गई। सत्ता में आए पार्टी ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का बनाया और साथ में साथ जम्मू कश्मीर, यहाँ से मुझे आजाद साहब से बहुत नज़दीकी देखने का, काम करने का मौका मिला और पहली बार जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार जो है वो आई। फिर राजस्थान का प्रभार मुझे मिला, वहाँ पर भी जो कोशिश मैं कर रहा हूँ कर की मैंने, लेकिन इन बिटवीन पार्टी ने मुझे फिर अपने जो पार्टी के चुनाव होते हैं उसका चुनाव अधिकारी लगा दिया। तो 4 महीने लगातार वो काम करते हुए जो अपने अमित शाह जी प्रदेश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका चुनाव करवाने के लिए मुझे ये जिम्मेवारी मिली। तो अलग अलग कामों को करता हुआ मैं दो बातें जरूर आपको सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम चुनाव लड़ते हैं, मैंने 3 चुनाव लड़े हैं, 2 MLA कर MP का, हर बार एक बात रहती है कि मेरा इतना खर्चा है, मेरा इतना खर्चा है। आज मैं सदन में दावे के साथ कह रहा हूँ मैंने 3 चुनाव में एक पैसा भी खर्च नहीं किया, सारा पैसा मेरी कार्यकर्ता या मेरी पार्टी के लोगों ने खर्च किया और जितने चुनाव के पैसे बचे 3 चुनाव में पैसे बचे और मैंने वो पैसे पार्टी को वापस किए। तो एक नया ट्रेंड मैंने वहाँ पर शुरू करने की कोशिश की है और खुशी होती है जब कुछ ऐसे इंस्टांस, कितने लोग नज़दीक से जुड़े होते हैं आपके साथ। मैं 2 इंस्टांस आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैंने अपने एरिया में 6 गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट कर रखे हैं, मेरी एक NGO है सेवा के नाम से। तो मैंने एक जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया तो मैं प्राइज देने के लिए उन बच्चों को गया। एक बच्चा आया, मेरे पैर छुए, कहा अंकल मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं अंकल, जब मैं 2 साल का था तो आपने मेरे हार्ट का ऑपरेशन कराया था, आज मैं जिंदा हूँ, आपके कारण जिंदा हूँ। इसी तरह जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था और MP था तो एक बच्चे का मुझे फ़ोन आया, हाँ MP साहब बोल रहे हो? मैं कहा हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा ऐसा है 15 तारीख को मेरी दीदी की शादी, आओगे? आप स्कूल में कह गए थे जब भी कोई बात हो फ़ोन पर बात कर लेना। तो बच्चे ने कहा, मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा बेटे। तो उसने फगवाड़ा का बताया कि हमारे दीदी की शादी वहाँ है। तो मैंने अपने PO कहा कि मेरे सारे कार्यक्रम जो है फगवाड़ा के नज़दीक के उस दिन बना देना। जाते हुए फिर फ़ोन आया कि MP साहब आ जाना, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो मैं जो मुझे पूछता रहा कहाँ मिलना है, कहाँ मिलना है, मैंने कहा फगवाड़ा प्राइम रिसोर्ट है वहाँ आ जाना। मैं 2 बजे पहुँचा तो लड़की बाहर खड़ी थी, वो बच्ची, तो मुझे कहती आ गया? मैं कहा हाँ, मेरी तो बेइज्जती हो रही थी। कहते कोई MP भी कभी आता है बच्चे के फ़ोन पे? तो इतना प्यार मुझे वहाँ पर अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम करते हुए मिला है। सर मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ और बड़े छोटे से गांव से हूँ, लेकिन पार्टी ने इतना मान सम्मान कि 3 हाउस देखने का मौका मिला, पार्टी के इतना काम करने का मौका मिला। और जब भी मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतने सीनियर नेताओं से, एक्टर एक्ट्रेस से मिलूँगा, लेकिन ये सिर्फ पार्टी के कारण हो पाया। और मैं क्षमा चाहूँगा अपने साथियों से, एज चीफ विप हो सकता है 10 नाम दिए हों तो नकवी जी और हमने बैठ के 2 नाम बोलने के लिए कहे हों, लेकिन मैंने कोशिश की जब से चीफ विप बना मैं कम बोलूँ, अपने मेंबर्स को ज़्यादा बुलाऊँ। थैंक यू। लेकिन फिर भी कई गलतियाँ रही हुई, मैं माफ़ी चाहूँगा सर। मैं ख़ास तौर पर सर आपके स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब भी कोई सलाह लेने के लिए इनके पास गए, इन्होंने बखूबी वो सलाह भी दी, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी वो भी मुहैया कराया। कमेटियों में भी सर मैं समझता हूँ कि जितना काम करने का मौका मिला, जहाँ पर बोलने का मौका मिला, कोशिश की कि मैं अपने शब्दों से किसी भी मेंबर, किसी भी पार्टी का उसको अटैक ना करूँ, कोशिश की मैंने। अगर फिर भी काम करते करते किसी को लगा हो कि मेरे शब्दों से किसी पार्टी, किसी मेंबर के मन को कोई हर्ट हुआ है तो उस लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से हम जा रहे हैं सर, कोई खाली हाथ नहीं जा रहे सर, इन सभी लोगों की दुआएं,
कहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर ये ढूंढने जाते तो सारा उम्र लग जाती इन लोगों को देखने के लिए. उन सभी की दुआएं आशीर्वाद लेके जा रहे हैं. अपनी पार्टी जो है जो भी काम आगे देगी उसको भी करेंगे. और मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब में हमारी सरकार है, यहाँ हमारी सरकार है, कभी भी मैं किसी काम आ सकूँ मैं समझूंगा कि आपने मेरे पे विश्वास किया है. इतनी बात कहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू अविनाश जी.